टीआरडी आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम नमस्ते जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीआरडी। एक नजर दिल्ली एमसीडी चुनाव पर। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली सीएम अतिशी मरलेना का एक बड़ा बयान। जी हां, ये बड़ी खबर। दिल्ली सीएम अतिशी मरलेना का कहना, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने करवाया वो चुनाव गैर कानूनी है, और कहा कि ये देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि ये देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानूनों से चलता है, ये देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। देखिए, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है, अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी मेयर के पास है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।